हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल पर आइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। प्लेलिस्ट का नाम देखकर भी आपको पता लग जाएगा कि वो रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में किस तरह के वीडियोस है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये वीडियोस देख लीजिए, और अगर आपको चैनल पे कुछ भी मीनिंगफुल लगता है और अगर आपको लगता है कि चैनल पे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे आपके नॉलेज में गेन हो रहा है तो ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर सब्सक्राइब करते तो रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक्स में इंटरेस्ट है तो अमेजोन पर आकर ये मेरा नाम डाल दीजिए और सर्च पे क्लिक करने के बाद अब तक जितने भी मैंने बुक्स पब्लिश किए हैं आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है, उसके ही साथ जो अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज रहते हैं जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर मल्टीबैगर स्ट्रेटेजीज, तो हर अलग तरह के स्ट्रेटेजीज के ऊपर, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर और टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर हमने बुक पब्लिश करने की कोशिश की है। हिंदी में भी एक बुक पब्लिश किया है दोस्तों, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, और जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे भी आप फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिए दोस्तों। लेकिन जो भी हमने इन्फॉर्मेशन या रिस्पेक्टिव बुक्स में प्रोवाइड की है उसे आप एजुकेशनल पर्पज़ ही कंसिडर कीजिएगा। दोस्तों, और एक बात, अगर आपको मेरा एजुकेशनल स्टॉक वॉलेट ज्वाइन करना है तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टॉक वॉलेट में मैं हर वीकेंड में मेरी जो भी स्टॉक के ऊपर की स्टडी है आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। जो भी हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे वो इक्विटी सेगमेंट के लिए रहेगा। उस टेक्निकल एनालिसिस में हम जो स्टॉक सिलेक्ट करेंगे उसके सिलेक्शन के पीछे का रीजन, उसमें हमें कहाँ पे बाय करना है, टारगेट किस तरह से कैलकुलेट करना है और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होने वाला है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करते रहते हैं। स्टॉक वॉलेट हमारा पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा, और स्टॉक वॉलेट में हम जो भी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है। दोस्तों, अगर आपको फर्दर क्वेरीज रहेंगे तो आप नीचे मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, और एक बात कहना चाहूंगा कि हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का वर्कशॉप है उसे बहुत लोगों के रिक्वेस्ट को कंसिडर करते हुए हमने वीडियो कोर्स में कन्वर्ट किया है। दोस्तों, आपके सामने सिलेबस है, एक बार वीडियो को पॉज करके आप सिलेबस देख सकते हैं, और अगर आप ये पर्टिकुलर वीडियो कोर्स में इंटरेस्टेड है तो मैंने नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टाइटल है इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टीपल एमएस ऑन टेक्निकल चार्ट। एमए यानी मूविंग एवरेजेस, वो मे भी सिंपल मूविंग एवरेजेस हो सकते हैं या तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हो सकते हैं। तो हमें उसका इम्पोर्टेंस देखना है कि टेक्निकल चार्ट पे मूविंग एवरेजेस किस तरह से वर्कआउट होते हैं, उसका सहारा लेकर हम किस तरह से रिस्पेक्टिव स्टॉक का ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या तो रिस्पेक्टिव स्टॉक में किस तरह की मूवमेंट आगे जाकर आएगी वो हम देख सकते हैं। ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो अपने ट्रेडिंग स्टाइल में मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करते हैं और अच्छी तरह से वो वर्कआउट भी होता है, लेकिन हमें उसमें समझ लेना चाहिए कि उसे किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो हम आज की वीडियो में अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग करेंगे, हम जो हमारा मूविंग एवरेजेस जो है, जो टेक्निकल इंडिकेटर है उसका हम अच्छी तरह से किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसे हम अच्छी तरह से समझ लेने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरुआत करने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपका जीरोधा में अकाउंट नहीं है और अगर आपको जीरोधा में अकाउंट ओपन करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड की है, वहां से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप मेरे थ्रू अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको कुछ बेनिफिट्स भी मिलेंगे, तो उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगी। उसी के साथ जो हमारे अमेजोन पे बुक्स है और यूडीमी पे वीडियो कोर्सेस है रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे और अदर स्टडी मटेरियल भी आपको वहां से मिल जाएगा। दोस्तों, उसी के साथ जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो कोर्स है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, वहां पे हम कंटिन्यूअसली लर्निंग करते जाएंगे। तो चलिए, मैं डायरेक्टली यहाँ पे चार्ट ओपन करता हूँ और चार्ट के जरिए हम समझ लेने की कोशिश करते हैं कि मूविंग एवरेजेस किस तरह से वर्कआउट होते हैं, यानी कि मूविंग एवरेजेस का इंपॉर्टेंस क्या है टेक्निकल चार्ट पे। यानी कि मान लीजिए हमें कोई स्टॉक में ट्रेडिंग करना है, उसमें हमें मान लीजिए कि हमें लगता है कि ये स्टॉक में मूवमेंट आएगी, हमें लगता है कि वो स्टॉक ऊपर जाएगा, तो वो मूविंग एवरेज का सहारा लेकर हम किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि
हम कोई स्टॉक का चार्ट ओपन करते हैं, हम वहां पे अच्छी तरह से हर एक चीजों के जरिए हम वो स्टॉक का एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, हमें लगता है कि स्टॉक में मूवमेंट आएगी, हम उसमें पोजीशन भी बना लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि बाद में स्टॉक जाकर हमारा स्टॉप लॉस हिट करता है, तो हमें पता भी नहीं लगता कि कहाँ पे हमारा एनालिसिस गलत हुआ था। तो कभी कभी हम जब भी एनालिसिस करते तो एनालिसिस करने के भी अलग अलग तरीके रहते हैं, कोई ट्रेडर्स चार्ट पैटर्न का सहारा लेते हैं, कोई ट्रेडर्स टेक्निकल इंडिकेटर्स का सहारा लेते हैं, कोई ट्रेडर्स टेक्निकल इंडिकेटर में भी कोई मूविंग एवरेज को इस्तेमाल करता है, कोई सुपर ट्रेंड को इस्तेमाल करता है, कोई वॉल्यूम का इस्तेमाल करके स्टॉक सिलेक्शन करता है, कोई आरएसआई को देखता है, राइट। तो हर एक ट्रेडर्स की अपनी अपनी ट्रेडिंग स्टाइल रहती है, तो अगर हम मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करते हैं तो उसके जरिए हम किस तरह से स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं वो थोड़ा समझ लेने के लिए हम ये पर्टिकुलर स्टॉक के जरिए हम थोड़ा बैक टेस्टिंग करके समझ लेने की कोशिश करेंगे कि अगर मूविंग एवरेजेस के हिसाब से हमें अगर कोई सिग्नल मिलता है तो स्टॉक में किस तरह की मूवमेंट आती है। ये रिस्पेक्टिव स्टॉक ने हमारे जो भी आज की वीडियो की जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से हमें ट्रेडिंग सिग्नल दिया है, तो इसे हम आगे जाकर भी ट्रैक करेंगे कि ये स्टॉक में आने वाले दिनों में किस तरह की मूवमेंट आ सकती है। तो दोस्तों ये सेंचुरी प्लाई का चार्ट है, ये कैंडलस्टिक चार्ट है और ये डेली चार्ट है, यानी कि हमने जो भी एक कैंडलस्टिक ली है वो एक दिन की है। अभी जो हमारा टेक्निकल चार्ट है सेंचुरी प्लाई का, उस पर हमने तीन मूविंग एवरेज ड्रॉ किए हैं, एक है सिंपल मूविंग एवरेज 50 का, दूसरा है सिंपल मूविंग एवरेज 200 का, और ये सिंपल मूविंग एवरेज है 100 का। अभी ये तीनों मूविंग एवरेजेस भी बहुत ही अच्छी तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे वर्कआउट होते हैं। यहाँ पे अगर हम रिसेंट चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कैंडलस्टिक जब भी नीचे आए तो 50 MA पे उसने सपोर्ट लिया, जब भी ये यहाँ पे ऊपर था तो उसने 100 SMA पे रेजिस्टेंस लिया था, ऊपर जाने के बाद ये जो लाइन है आप कलर के वाइज देख सकते हैं, कलर वाइज देख सकते हैं, ये 50 SMA का ग्रीन कलर है, 100 का व्हाइट कलर है और 200 का येलो कलर है। तो यहाँ पे 200 MA के आसपास जाने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, थोड़ी गिरावट आ गई और उसको ब्रेकआउट देने के बाद उसमें अपर साइड की मूवमेंट आ गई, और नीचे हमने वॉल्यूम भी लिया है। वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस इतना ही है कि जब भी कोई ग्रीन कैंडल बड़ी वाली बनती है और नीचे हमें अच्छा खासा वॉल्यूम मिलता है तो इसमें ऐसा समझ लिया जाता है कि उसमें लोग पोजीशंस बना रहे हैं, आगे जाकर उसमें मोमेंटम आएगा, राइट। तो वॉल्यूम को भी हम अच्छी तरह से देखकर और भी ट्रेड का कंफर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों अभी जनरल देखेंगे तो मूविंग एवरेजेस भी बहुत ही अच्छी तरह से वर्कआउट होते हैं, हम जनरली 50 SMA का इस्तेमाल मैक्सिमम हमारे स्ट्रेटेजी में करते हैं। हम ऐसा कहते हैं कि अगर कोई स्टॉक 50 SMA के ऊपर रहेगा तो वो उसके अप ट्रेंड में रहेगा, और अगर वो 50 MA को ब्रेक डाउन देता है तो उसमें डाउनवर्ड साइड में मूवमेंट आएगी। तो 50 MA जनरली शॉर्ट टर्म के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, 200 MA का भी इस्तेमाल उसी तरह से होता है, लेकिन हम मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तो 200 MA का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो जनरली अगर हम ये पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखेंगे और मूविंग एवरेजेस का इंपॉर्टेंस देखने की कोशिश करेंगे तो 50, 100 और 200 ऐसे ऐसे में है कि जो मैक्सिमम चार्ट अच्छी तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे वर्कआउट होते हैं, यानी कि मान लीजिए कोई स्टॉक अगर ये मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड करता है तो उसमें डाउनवर्ड साइड की मूवमेंट आएगी, उसे ऊपर क्रॉस करेगा तो उसे उसमें अपर साइड की मूवमेंट आएगी, राइट। तो बहुत ही अच्छी तरह से वर्कआउट होते हैं। अभी हम थोड़ा एग्जाम्पल के जरिए, स्ट्रेटेजी के जरिए और थोड़ा बैक टेस्टिंग करके समझ लेने की कोशिश करेंगे कि अगर इसमें हमें ट्रेड करना है तो हम किस तरह से करेंगे, और उसके जरिए आपको समझ में आएगा कि मूविंग एवरेज का इंपॉर्टेंस भी क्या रहता है। दोस्तों अभी जैसे कि मैंने कहा कि मूविंग एवरेजेस को अगर ब्रेकआउट मिलता है अपर साइड में तो उसमें अपर साइड की मूवमेंट आएगी, उसको ब्रेक डाउन मिलता है डाउनवर्ड साइड में तो उसमें डाउनवर्ड साइड की मूवमेंट आएगी। तो हमें क्या करना है कि इस तरह का स्टॉक सिलेक्शन स्टॉक में सिलेक्शन करना है कि जो स्टॉक हमारे ये तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और ऊपर यानी बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, एक फिलहाल ही में उसने ब्रेकआउट दिया हुआ होगा। मान लीजिए कि अभी ये कंडीशन में आपको बताता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये तीनों मूविंग एवरेजेस हमारे यहाँ पे थे, अभी ये हमें बड़ी वाली ब्रेकआउट कैंडल मिल गई अपर मूविंग एवरेज को, उसके साथ नीचे हमें वॉल्यूम भी अच्छा खासा मिल गया। जब हमने अदर मूविंग एवरेजेस देखे तो 50 SMA और 100 SMA हमारे नीचे थे और ये कैंडल ने 200 SMA को ब्रेकआउट दिया था, राइट। तो यहाँ पे सिचुएशन किस तरह से बनी है कि अभी जो कैंडल यहाँ पे अच्छी तरह से बनी है उसने हमारे तीनों मूविंग एवरेजेस को, यानी कि उसमें से एक मूविंग एवरेज को उसने ब्रेकआउट दिया, और उसका जो क्लोजिंग है, ये कैंडल का जो क्लोजिंग है वो तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर हुआ है, यानी कि जब भी कोई भी स्टॉक हमें ये तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर मिलेगा और जो भी ऊपर वाली हमारी SMA लाइन है उसको ब्रेकआउट मिलेगा तो ये हमारे लिए स्टॉक का सिलेक्शन हो गया, इसमें हमें हमें ट्रेडिंग करनी है। अभी ट्रेडिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी ये कैंडल का हाई जब भी ब्रेक होगा हम उसमें पोजीशन बनाएंगे, ये कैंडल के लो के हम नीचे हमारा स्टॉप लॉस लगाएंगे, और आप देख सकते हैं कि बाद में
इसमें किस तरह से मूवमेंट आई है। अभी रिसेंट रेजिस्टेंस मिलता है तो रिसेंट रेजिस्टेंस हमारा टारगेट रहेगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी तो ये रिसेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे जो भी है वो हमारा पहला टारगेट रहेगा। फिर जो भी अगले रिसेंट रेजिस्टेंस है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो पहले सपोर्ट रहेंगे वो नीचे आने के बाद वो हमारे लिए रेजिस्टेंस वर्कआउट होंगे, तो हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वो हिट हुआ है। और जैसे जैसे स्टॉक में अपर साइड की मूवमेंट आती रहती है वैसे वैसे हम रिसेंट रेजिस्टेंस को देखते जाएंगे, वो हमारा टारगेट रहेगा। और फिर आप देख सकते हैं कि स्टॉक में फिर किस तरह की मूवमेंट आ गई, स्टॉक डायरेक्टली यहाँ तक चला गया। अभी यहाँ पे प्राइस रेंज वाइज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला था, इसका हाई देखेंगे आप तो 32.65 था और यहाँ पे इसका हाई देखेंगे तो 95.80 था। तो मल्टीबैगर स्टॉक भी जिस तरह से रिटर्न देते उतना ही रिटर्न हमें यहाँ पे ऊपर, अगर आप डेट भी देखेंगे तो अप्रैल 14 था और यहाँ पे अगर कैजुअली हम देखेंगे तो जुलाई 14 था। तो आप देख सकते हैं कि कितने समय में हमें रिटर्न मिल गया, जो स्टॉक 30 के आसपास ट्रेड कर रहा था वो 90 के आसपास चला गया, राइट। तो इस तरह से होते रहते हैं दोस्तों। अभी हर एक स्टॉक में इस तरह की मूवमेंट आएगी ऐसा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली अगर कोई स्टॉक में अगर इस तरह के मूविंग एवरेजेस को ब्रेकआउट मिलता है, वॉल्यूम मिलता है, और यहाँ पे मान लीजिए कि हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस नजदीक हो जाता है। मान लीजिए हमें कोई इस तरह का स्टॉक मिलता है यहाँ पे, तो यहाँ पे उसमें पोजीशन बनाएंगे तो हमारी यहाँ पे रिस्क बढ़ रही है क्योंकि यहाँ से स्टॉप लॉस हमारा बहुत ही दूर है, राइट। तो इमीडिएटली ब्रेकआउट के बाद हम पोजीशन बनाते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस नजदीक है, तो हमें पूरा मोमेंटम राइड करने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे इन बिटवीन कहाँ पे पोजीशन बनाते हैं तो हमारी यहाँ पे रिस्क बढ़ रही है। तो इस तरह का स्टॉक नहीं सिलेक्ट करना है, इस तरह का स्टॉक हमें सिलेक्ट करना है कि जो ब्रेकआउट दिया है अपर मूविंग एवरेज को और जो रिमेनिंग मूविंग एवरेजेस है वो उसके नीचे है। तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक में फिर कितनी अच्छी खासी मूवमेंट आ गई और स्टॉक कहां तक चला गया। आप यहाँ पे हाई इसका देखेंगे तो फिर ये 136 का इसका हाई है, राइट। ये थोड़ा नीचे तो आ गया लेकिन 50 SMA पे फिर उसने सपोर्ट लिया, फिर उसका जो मेन ट्रेंड था अप ट्रेंड उसको फिर उसने रिज्यूम कर दिया। अभी देख लेते हैं इसमें फिर इस तरह के अपर साइड की मूवमेंट आ गई, स्टॉक बहुत ही अच्छा खासा ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसने फाइनली 50 MA को ब्रेक डाउन दिया। तो आप ट्रेलिंग का भी देख सकते हैं, अगर आप मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं तो फिर एक बार इस तरह का ब्रेकआउट आपको मिलता है तो 50 SMA बहुत ही अच्छी तरह से सपोर्ट वर्कआउट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सपोर्ट लिया था, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था, तो जब भी वो 50 SMA को क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक डाउन नहीं देता तब तक हम होल्ड करेंगे, आप मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकते हो। और जहाँ पे इस तरह की क्लोजिंग मिलती है हमें ब्रेक डाउन क्लोजिंग और नीचे वॉल्यूम भी बनता है तो इसमें एक कंफर्मेशन बनता है कि अभी इसमें डाउनवर्ड साइड की मूवमेंट आएगी। तो आप देख सकते हैं फिर से इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, कुछ कैंडल ने सपोर्ट लिया 100 MA पे और फिर उसको भी ब्रेक डाउन दे दिया और फिर वो नीचे आ गया, राइट। फिर उसमें इस तरह की मूवमेंट आ गई, फिर से वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो हर एक मूविंग एवरेज को सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे फॉलो कर रहा है, राइट। तो इस तरह से, और एक बार वो 200 MA के नीचे आ गया तो फिर तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे आने के बाद उसमें इमीडिएटली डाउन ट्रेंड शुरू हो गया और वो यहाँ से यहाँ तक उसमें डाउन ट्रेंड आ गया, राइट। तो आप देख सकते हैं फिर ये स्टॉक में ये यहाँ से देखेंगे तो पूरा यहाँ पे यानी कि यहाँ पे अप ट्रेंड था और यहाँ पे फिर डाउन ट्रेंड शुरू हो गया और फिर से उसने जब भी यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं जब भी उसने तीनों मूविंग एवरेजेस को ब्रेकआउट दे दिया फिर से उसमें अपर साइड की मूवमेंट आ गई। 50 SMA ने अच्छी तरह से एज ए सपोर्ट वर्कआउट कर दिया, 50 SMA को जब भी ब्रेकडाउन मिला उसमें डाउनवर्ड साइड की मूवमेंट आ गई। फिर यहाँ पे भी देख सकते हैं तीनों मूविंग एवरेज एवरेज के ऊपर चला गया, उसमें अपर साइड की मूवमेंट आ गई, राइट। तो इस तरह से होते रहता है। आप यहाँ पे भी एक एग्जांपल देख सकते हैं कि तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर गया, अपर साइड की मूवमेंट आ गई और ब्रेक डाउन मिला उसमें डाउनवर्ड साइड की मूवमेंट आ गई। तो इस तरह से ये वर्कआउट हो रहा है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये थर्ड मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन मिला उसमें पूरी डाउनवर्ड साइड की मूवमेंट आ गई और स्टॉक यहाँ से यहाँ तक आ गया। और फिर अभी कुछ दिनों का अगर हम देखेंगे रिसेंट देखेंगे हम तो स्टॉक इस तरह से यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ऊपर मैं आपको डेट बताता हूँ, आज की डेट है 15th of November 2019, तो ये 179 के आसपास इसका ट्रेड चल रहा है। अभी फिलहाल ही में अगर आप देखेंगे तो ये कुछ दिनों से अभी ये तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे वो सस्टेन हुआ है और सस्टेन होने के बाद यहाँ पे ये कैंडल को देखेंगे तो ये कैंडल पे हमें बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम मिला है और ये आज की भी कैंडल यहाँ पे सस्टेन हुई है। अभी ये जो स्टॉक है मान लीजिए ये जो इसका लो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक स्विंग लो बना था, ये लो लो के नीचे अगर जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे। और मान लीजिए इसमें अगर इसका हाई ब्रेकआउट होते रहता है तो इसमें मोमेंटम बनते रहेगा, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हायर टॉप हायर बॉटम भी पैटर्न यहाँ पे बन रहा है तो इस तरह से वो ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो उसका अप ट्रेंड चल रहा है ऐसा लग रहा है। अभी हमें क्या करना चाहिए कि हमारे स्ट्रेटेजी के हिसाब से तो तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर से ऊपर जाकर ये स्टॉक सस्टेन हुआ है, ये कैंडल ने अच्छा खासा ब्रेकआउट भी दिया है यानी कि ब्रेकआउट बोले तो वॉल्यूम के साथ इसमें क्लोजिंग अच्छी खासी हुई है, ब्रेकआउट हमें तो यहाँ पे ही मिला था लेकिन थोड़ा नीचे ऊपर करने के बाद यहाँ पे अभी सस्टेन हुआ है और ये कैंडल भी यहाँ पे सस्टेन हुई है। अभी ये जो स्टॉक है रिस्पेक्टिव स्टॉक है उसे आपको कुछ दिनों के लिए ट्रैक करना पड़ेगा, जो भी उसके रिसेंट रेजिस्टेंस हमें दिखेंगे वो टारगेट रहेंगे, अगर ये टारगेट को वो ब्रेकआउट देता है तो फिर जो भी अगले रिसेंट रेजिस्टेंस रहेंगे वो हमारे टारगेट रहेंगे।
ये स्टॉक को आप कुछ दिनों के लिए ट्रैक कीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि ये रिस्पेक्टिव स्टॉक में किस तरह की मूवमेंट आती है। तो यहाँ पे हमने मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं वो देखा, उसके जरिए हमने एक स्ट्रेटेजी भी सीख ली, और मूविंग एवरेजेस का इंपॉर्टेंस क्या रहता है, वो किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्कआउट होते हैं उसके बारे में भी देख लिया, और जो बेसिक चार्ट पैटर्न्स रहते हैं, जैसे कि हमने बोला कि चार्ट पे भी यानी कि हायर टॉप हायर बॉटम रहेगा, कभी कभी फ्लैग पैटर्न बनेगा, कभी राउंडिंग बॉटम बनेगा, तो पैटर्न भी बनते रहते हैं, तो उसका थोड़ा कॉम्बिनेशन करके हम स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। और जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ से अप ट्रेंड रिज्यूम हुआ है, तो बेसिक जो ट्रेंड रहता है उसको भी फॉलो करेंगे, तो स्टॉक में हमें अच्छी खासी मूवमेंट मिल जाती है। तो दोस्तों मुझे लगता है ये वीडियो में जितना भी हमने डिस्कस किया आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब ये स्टॉक को आप कुछ दिनों के लिए ट्रैक कीजिए, आपको समझ में आएगा कि इसमें किस तरह की मूवमेंट आ सकती है। तो दोस्तों एज ए डिस्क्लेमर, इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं या तो कर रहे हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पज ही कंसिडर कीजिएगा, इसको देखकर आप प्लीज ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।